भाई यूपी सरकार का मामला है तो यूपी भवन पर प्रदर्शन करने दीजिए। वहाँ पे जितने पुलिस वाले थे उन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर दी और एक बात भी ये बात नहीं सुनी कि जिस चीज़ को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितनी संवेदनशील है। चंद्रशेखर भाई पे रासुका लगाई गई, यही योगी सरकार ने लगाई है रासुका, वो भी गलत ढंग से। जब न्यायालय कह रहा है कि केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो ये एक और केस ठोकते रहे, तो इसका मतलब साफ है जमाना चाहते हैं। आज यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं, सहारनपुर से, मेरठ से, सारे दलित हैं, उन्हीं के पास भाजपा कल वोट मांगने जाए। कहीं कहीं सख्ते में है जिस तरह से पुलिस की तैनाती के लिए बैरिकेड किया गया है। एकदम सरकार पूरा अपने जो खुफिया जो है उसका तंत्र उससे पता लगवाती है कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से इसमें इतनी बड़ी व्यवस्था की है। वहीं आप देखिए लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। कल बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष कहते हैं हाथ काट लेंगे, सर काट लेंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। आज जो लोग यहां पे प्रतिरोध की आवाज़ बने हुए हैं उनके लिए व्यवस्था होती है। इतना पुलिस मुसलमान टारगेट पर दलित क्या हुआ था हम लोगों का ये, आप अगर कैमरा अपना इधर करें तो देखें हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक बार दिखाइए लोगों को कि हम लोग खड़े हुए हैं कर्नाटक भवन के सामने। प्रोटेस्ट हमारा कहाँ होना चाहिए? यूपी भवन यहाँ से कितने फासले में है। हमारी यही डिमांड थी कि जब हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए हैं और एक हमारा बहुत वैलिड प्रोटेस्ट है कि जो जुडिशियल सेटअप ने अपनी बात कही है, न्यायालय ने ये कहा, बेल दी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए उनके ऊपर रासुका लगा दिया, उस रासुका के विरोध के लिए यहाँ पर हम प्रदर्शन करने आए थे। और हम लोग पहुँचे भी नहीं थे, खड़े भी नहीं हुए थे कि कुछ मनुवादी पुलिस वाले जिनके दिमागों में अभी भी पूरी वही वर्ण व्यवस्था घुसी हुई है, उन्होंने लाठी चलाना, खींचना, हमारे एक साथी के पेट में घूंसे मारे गए, किसी की दाढ़ी नोची गई और वो बिल्कुल शुरू कर दिया एक सेकेंड में नहीं। और इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दूंगा, जब दीपावली में पटाखे बैन हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड गेट के सामने 2 घंटे तक लगातार पटाखे चलाए गए थे और यही दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, इसकी हिम्मत नहीं हुई थी किसी को रोक लेती। आपको लगता है कि SC ST के जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर हमला होता है? देखिए ये उन जो शोषित वर्ग है इनकी पूरी ब्राह्मणवादी मानसिकता यही है कि जिनका शोषण हो रहा है वो शोषण सहते रहें, अत्याचार सहते रहें और कहीं आवाज बुलंद करने की अगर कोशिश करें तो उनको लाठी के जरिए और कानून के जरिए डराया जाए, धमकाया जाए। वही चंद्रशेखर के साथ हुआ और वही आज यहाँ दिल्ली पुलिस ने किया। काफी पुलिस की तैनाती की गई और लोग आरोप है।